एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने रविवार को पुलिस लाइन के पुलिस सभागार कक्ष में पुलिस विभाग और 108 एम्बुलेंस चालकों के साथ बैठक की तथा दिशा निर्देश दिए, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक पुलिस विभाग द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज मार्ग में पड़ने वाले शहर के विभिन्न थाना चौकी, ITMS कंट्रोल रूम सहित सभी पुलिस कर्मियों की भागीदारी रहेगी। सभी के सहयोग से एम्बुलेंस को प्रत्येक चौराहे पर ग्रीन सिग्नल देते हुए ट्रैफिक कंट्रोल के रास्ते उपलब्ध कराते हुए चौराहा से होते हुए कम से कम समय 15 मिनट में निश्चित गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, ताकि 108 एम्बुलेंस को सुविधा कराई जाए और अपने मरीजों को 10 मिनट के अंदर जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जा सके, जिससे मरीजों की जान बच सके और ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे यह स्कीम दूसरे मार्गों पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एम्बुलेंस को रास्ता सबसे पहले दें, जिससे एम्बुलेंस जल्द से जल्द मरीज को लेकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाए तथा आम जनमानस को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, 108 एम्बुलेंस के प्रभारी प्रवीण पांडे सहित एम्बुलेंस के चालक, ITMS के कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, सभी चौकीदार और उसके इतना जल्दी उतना और बेहतर देंगे ना। ये है ना, जैसे आपको सूचना मिली कि जाना है, वैसे ही आपके दिमाग में अगला यही रेस्पॉन्स आना चाहिए कि चलो कंट्रोल रूम को बता दें, एक काम करना ही है, आपके लिए करें या आपके लिए करें या इनके लिए करें या पब्लिक के लिए करें या नेता के लिए करें, हमको सबके लिए काम करना है। तो आप अपना मान के कंट्रोल रूम को इस्तेमाल करें, मेरा ये कहना है। आप बिल्कुल एजिटेट ना करें, ठीक है। अगर हम सब मिलकर किसी व्यक्ति की जान भी बचा लेते हैं, एक व्यक्ति की भी जान अगर दिन में बच जाती है, दिन के लिए साल में 365 व्यक्तियों की जान बचती है, 365 व्यक्ति मतलब 365 परिवार बच गए, तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। लोग तो कहाँ पाप धोने जाते हैं, हम तो प्रतिदिन मौका मिलता है हमको तो पाप धोने का, अपना जो गलती हुई है तुरंत सुधार लें, तो भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा कि चलो एक आदमी की जान बचाई होने। और जान लेना तो दुष्टों का काम है, जान बचाना वाकई में भगवान का काम होता है। तो जान तो ले ही लेते हैं अपराधी, जान बचाने का काम हम सब मिलके करें तो ये वाकई में एक अच्छा यादगार बनेगी और आप लोगों को भी याद रहेगा कि आपने जीवन में कितना बढ़िया काम किया। बच्चे होंगे आपके, कहीं आप जाएंगे इनपुट देंगे, कहीं किसी अगला एम्प्लॉयमेंट में आप जाएंगे तो बताने के लिए आपके पास चीजें होंगी कि साहब ये सिस्टम सेट हुआ था, उसमें रहेगा। अब इसमें कितने चौराहे होंगे रास्ते में सदर हॉस्पिटल से बीआरडी तक जो अपने ITMS से कंट्रोल है। VVIP जब निकलते हैं कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए सिग्नल जो है जिस रास्ते पे होते हैं वो धड़ाधड़ ग्रीन होते रहते हैं, तो उनको कहीं जाम नहीं मिलता। वो सब जब जिस चौराहे पे पहुंचने वाली हो उससे 5 सेकंड पहले वो ग्रीन हो जाए, ताकि जो भीड़ है वो भी निकल के रहे और आपकी एम्बुलेंस भी निकल जाए उसी के साथ में। तो ये अच्छा। दूसरा, इसमें जितने लोग चौराहे पे फंस गए तो उससे बढ़िया कुछ दिन नहीं होगा, इसको करेंगे। दूसरा, आपके जो चौकी इंचार्ज है कौन कौन से आए हैं आपके इनमें से, तो आप लोग जो है इसको संपर्क में रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त वहां चौराहे पे उपलब्ध रहेंगे, है ना। लेकिन आपके चौकी के जो लोग हैं उनको सबको ब्रीफ रहे होमगार्ड से लेकर सिपाही तक कि भाई जब ग्रीन को मारे तो पहले ये बताएं सदर अस्पताल से बीआरडी जाने वाली वो सिर्फ आपकी ही होती है, तो ये तो हमारा रूट क्लियर नहीं। दूसरा ये है कि जैसे आपकी गाड़ी आएगी तो आप लोकेशन बता देंगे कि मैं अभी कॉल किया हूँ, मैं इस जगह पहुंचना शुरू कर देते हैं, तो हम ट्रैक कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी में अगर आपकी गाड़ी के अंदर भी कोई दूसरी प्राइवेट एम्बुलेंस भी निकल जाए, आज पुलिस लाइन गोरखपुर में पुलिस विभाग और 108 एम्बुलेंस के जो हमारे कर्मी हैं उनके साथ मीटिंग की गई। इसमें यह तय किया गया है कि सदर अस्पताल से लेकर बीआरडी तक पुलिस विभाग द्वारा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये पुलिस विभाग और हमारे गोरखपुर पुलिस की एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि प्रयास यह है कि जो हमारे एम्बुलेंस के साथी हैं जिनको मरीजों को लेकर जाना होता है उनको ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए कि उनको रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े बिल्कुल भी, और 10 मिनट के अंदर वो सदर अस्पताल से बीआरडी तक, बीआरडी हॉस्पिटल तक अपने मरीजों को ले जा सकें।
उद्देश्य दोनों का यह है कि इसमें मरीजों की जान बचे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधा इन्हें उपलब्ध करवाई जा सके समय रहते। धीरे धीरे इस स्कीम के संचालन के पश्चात ये स्कीम दूसरे मार्गों पर भी जारी की जाएगी और प्रयास ये रहेगा कि लोगों में जागरूकता आए कि जहाँ भी एम्बुलेंस जाती है एम्बुलेंस को रास्ता सबसे पहले दें और बिना रुके एम्बुलेंस हर जगह से निकलकर अपने गंतव्य की ओर बहुत जल्दी पहुँचे। आम जनमानस को जागरूक करने के लिए इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और स्कीम जब जारी होगी तो प्रत्येक चौराहे पर इसका ऐलान भी किया जाएगा, इसे प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से भी किया जाएगा। इसी को लेकर आज एक जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है, ग्रीन कॉरिडोर रैली इसका नाम दिया गया है और इसको अभी पुलिस लाइन से शुरू करके ज़िला अस्पताल तक ये रैली जाएगी जिसमें पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग जो 108 एम्बुलेंस है वो संयुक्त रूप से इस रैली को करेंगे।